Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the applications of potentiometer. And in this class, we shall discuss about the numericals based on potentiometer. And then in the next class, we shall discuss about the numericals based on meter bridge. Okay? And one more thing you should note it down. The doubt class of NCERT chapter 3 is held on the Friday this week. You all students must prepare yourself and solve the numericals of NCERT and collect the questions, difficult questions which create problems for you, okay, and ask in the live doubt class. Okay, now we shall collect question number 165. Example number 165. ये questions आपको जो है already PDF form में provide कर दिए जाएंगे. आपको एक दिन पहले ही assignment के तौर पर उनको solve करने की कोशिश करेंगे और फिर उसका solution जो है आप देखेंगे इसका. ये question है आपका a 10 meter long wire uniform cross section of 20 ओम. तो चलिए जो कुछ भी ये नोट करते चलते हैं. टोटल वायर का जो लेंथ है वो है 10 मीटर का और ये रेजिस्टेंस उसका है आपका 20 ओम का. पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर. दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट. एक बैटरी है जिस 5 वोल्ट से कनेक्टेड है ये, अलोंग विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 480 ओम. एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, यहाँ मैं EXT लिख दे रहा हूँ. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 480 ओम का है. इफ एन अननोन EMF इज बैलेंस्ड एट, एक अननोन EMF है, नहीं पता हमें इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें मिल रहा है 600 सेंटीमीटर पर. कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट. पहला कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि K, और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ अननोन EMF. यानी यही दोनों हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं. जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप एक सर्किट डायग्राम बनाइए. तो आइए, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है. देखिए वैसे तो वायर ये जिग जैग होता है ऐसे, ठीक है, है ना. लेकिन आप बनाना ही है तो सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने बताया था आपको कि प्रैक्टिकल में ऐसे आपको रियली देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर जो हमारे पास 10 मीटर का जो वायर है उसको हम एक स्ट्रेट वायर की तरह से ट्रीट करते हैं. तो सपोज कर लिया हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका ये ए है और ये बी है एंड, और ये 10 मीटर का है. हम लिख देते हैं ऊपर ये कितने का है, 10 मीटर का लेंथ का है. और नीचे ये भी लिख देते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम का है. कैसे पता लगा, दिया हुआ है कि वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है. ये एक 5 वोल्ट की बैटरी से और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है. तो आइए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, या यहाँ ए लिख दीजिए. ये जो है एक 5 वोल्ट की बैटरी से भी जुड़ा है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 480 ओम का. ये ठीक ना जुड़ा हुआ है. या एक काम करें, इनको हम ऊपर ड्रॉ कर लें क्योंकि ये ड्राइविंग सेल है. ड्राइविंग सेल मतलब जो सर्किट को क्या कर रहा है, चला रहा है. बताया था मैंने पोटेंशियोमीटर में. ठीक है, ये हो गया हमारा. ये 5 वोल्ट का है और ये 480 ओम का है रेजिस्टेंस. ठीक है ना. अब कह रहा है कि एक अननोन EMF का सेल जो है इससे जुड़ा हुआ है. तो आप जानते ही हो ए पॉइंट से आप सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और बी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हो और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी.
और जॉकी जाकर यहाँ पर कितने 6 मीटर पर जो है 6 मीटर लेंथ पर जा करके, इसका नाम मैं सी रख दे रहा हूँ, 600 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब 6 मीटर हुआ, 6 मीटर पे आपको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। सबसे पहला काम हमसे पूछा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के इक्वल्स टू होता है वी अपान एल, वी है वोल्टेज और एल जो है वो हमारा लेंथ है। अब यहाँ समस्या क्या है, ये वोल्टेज होता है हमारे वायर के अक्रॉस, वायर मतलब हमारा ए बी, पूरा ये ए बी हमारा वायर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसका लेंथ। तो इसका लेंथ तो 10 मीटर मालूम है हमें, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें नहीं मालूम ए बी के अक्रॉस। रीज़न ये है कि एक 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर एक 480 ओम का भी रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम का ए बी का, तो 2 रेजिस्टेंस हैं। अब जरा देखा जाए ये दोनों रेजिस्टेंस किस ऑर्डर में होंगे। एक तो रेजिस्टेंस है ए बी का, ए बी मतलब जो वायर है हमारा, और एक जो रेजिस्टेंस है वो 480 ओम का है, ठीक है ना, दोनों का हमें जो है देखना है। अब जो है यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सीरीज में हैं। देखिए अगर ये बैटरी कोई करंट सप्लाई करता है तो ये इसके थ्रू आएगा वायर ए बी में, अभी ये मान लीजिए जॉकी नहीं उस पर टच है, उसको छोड़ दीजिए, तो ये ए बी के थ्रू ऐसे जाएगा और फिर इसमें जाएगा। तो ये जो 480 है और ये 20 ओम है वायर का रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में करंट अगर हमें मिल जाए, अगर हमें ए बी में करंट मिल जाएगा तो हम वोल्टेज निकाल लेंगे V इक्वल्स टू I इंटू R से। तो चलिए सबसे पहले करंट यहाँ पर लिखेंगे, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देख रहे हो 480 है, ये 20 है, दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 480 प्लस 20 यानी कि 500 ओम, ठीक है 500 ओम हो गया ये। अब जो है हमें करंट पता करना है, I इज इक्वल्स टू होता है V अपान R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू है 5 वोल्ट और ये है 500, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/100 एम्पियर, ये हो गया करंट। अब जो है हमें निकालना है सिर्फ AB के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ठीक है AB के क्रॉस, तो ये 480 ओम तो हम लेंगे नहीं, सिर्फ ए बी के क्रॉस निकालना है, तो वी ए बी इज इक्वल्स टू होगा आई इंटू आर, आई की वैल्यू है हमारा, चूँकि सीरीज में है तो जो करंट इस रेजिस्टेंस में होगा वही इस वायर में भी होगा, करंट सेम रहता है सीरीज में, ये हो जाएगा 1/100 और आर की वैल्यू यहाँ पर है 20, सिर्फ ए बी का हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं 20, तो इसके क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगा, कट करेंगे तो हो जाएगा ये 1/5 वोल्ट, ठीक है वोल्टेज भी मिल गया हमें। अब हमें K निकालना है, तो K इज इक्वल्स टू होता है V अपान L, V की वैल्यू जो है वो हमारा है 1/5, ठीक है, और L का वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 10 मीटर है, अपान 10 डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/50 वोल्ट पर मीटर, ठीक है वोल्ट पर मीटर आ गया 1/50, ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब जो है पूछा ई एम एफ क्या होगा, तो आपको पता है ई एम एफ इज इक्वल्स टू होता है के इंटू एल, याद होगा अगर पोटेंशियोमीटर आप पढ़े होंगे तो ई इज इक्वल्स टू होता है के इंटू एल, ई की वैल्यू जो है हमारा पता करना है, के का वैल्यू आ चुका है 1/50, ध्यान रखिएगा ये वोल्ट पर मीटर में है, तो एल का वैल्यू भी हमें मीटर में रखना होगा, यानी कि 6 मीटर हम इसको कह सकते हैं L की वैल्यू, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पर 6 रख देंगे L की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25, 3/25 वोल्ट हो जाएगा ये EMF की वैल्यू, या इसको डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, 5 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 52, 0.12 वोल्ट का ये होगा, ठीक है ना चेक कर लेते हैं, 0.12 वोल्ट का है, ठीक है बिल्कुल सही है ये, इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है ना।
नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 169, क्वेश्चन नंबर 169 एग्जांपल नंबर। ये पहले क्वेश्चन, इसको हम रीड करते हैं। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको जो है क्लियर रहे सारी चीजें। एक ए बी वायर है, ध्यान रखिएगा ये ए बी जो है ना पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। और इसके साथ जो है यहाँ पर ए मैं लिख दे रहा हूँ और ये बी, यहाँ से जो है एक रेजिस्टेंस है, फिर सेल है, गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है। जॉकी को जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्राइविंग सेल में 2 वोल्ट और 15 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है अभी, ये हमारा ड्राइविंग सेल जिसका वैल्यू है 2 वोल्ट और यहाँ एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का, ठीक है। चलिए 2 वोल्ट ए बी हो गया, यहाँ जहाँ नल मिल रहा है इसको ओ नाम दिया हुआ है, ये है 1.2 ओम का, ये है 0.3 ओम का और ये है 1.5 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये हमारा फिगर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ है ए बी इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। ए बी जो है ना वो 1 मीटर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी की जो वैल्यू है वो 1 मीटर दे रखा है और ये यूनिफॉर्म वायर है। आपको पता ही है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है पोटेंशियोमीटर वायर का। तो ए बी ही आपका जो है पोटेंशियोमीटर वायर है ये, ठीक है। अगला दिया है, अदर डाटा आर शोन इन द फिगर, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। पहला हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ही पता करना है के, और दूसरा हमें बताना है लेंथ ए ओ, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। लेंथ बताना है ए ओ का, लेंथ ऑफ ए ओ, ये तब है लेंथ ए ओ जब नल पॉइंट हमें मिल रहा है। नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो एप्लीकेशन पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करते हैं। तो देखिए, जब ये जॉकी को यहाँ पे टच नहीं किया जाएगा, अभी जब नल पॉइंट पता करना होगा तो पता करेंगे हम टच करके। अभी फिलहाल क्या है हमारा, ये नीचे का जो सर्किट है वो ओपन है यानी कि ऑन नहीं है। ऊपर चलते हैं, ऊपर 2 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है और ये वायर ए बी का भी रेजिस्टेंस कुछ दिया होगा, हाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। वायर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ओम का। तो अभी हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो है और ये सीरीज में है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट कितना होगा, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों में करंट सेम ही होगा। पहले इनका इक्विवेलेंट निकाले हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर वन है 15 ओम और ये ए बी का रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 25 ओम, क्लियर है। अब जो है हमें करंट पता करना है, तो I इज इक्वल्स टू होता है V अपान R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू 2 है और ये 25 है, ये आ गया एम्पियर में। अब हमें पता चल चुका है कि इसमें भी 2/25 एम्पियर करंट होगा और इसमें भी 2/25, तो हम ए बी के क्रॉस पोटेंशियल निकाल रहे हैं। V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R, I की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 2/25 और रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकालना है 10 के, तो 5 5 25 5 2 10 4/5 वोल्ट आ गया ये V का वैल्यू, किसमें ए बी में, यहाँ मैं V ए बी लिख दे रहा हूँ, ए बी का जो वोल्टेज है पता चल गया, ठीक है। अब ए बी का ही पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है आपको ना, तो K इज इक्वल्स टू होता है V बाई वी ए बी अपान L, वी ए बी की वैल्यू है 4/5 और लेंथ की वैल्यू है यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, वहाँ लिखा हूँ मैं 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा 4/500 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 4 से इसको काटेंगे ना
तो ये हो जाएगा हमारा 25 आ जाएगा नीचे 125 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/125 बोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हमारा आ गया के की वैल्यू। मीटर में रहने देना चाहते हैं तो 4/5 बोल्ट पर मीटर हो जाता अगर ये 1 मीटर हम रखते तो। तो चलिए मीटर में ही रहने देते हैं, ऐसा ही सिस्टम एमके सिस्टम हो जाएगा। ये 1 मीटर रखोगे तो ये आ जाएगा 4/5 बोल्ट पर मीटर। चलिए यहीं छोड़ दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके हैं, देखिए के का वैल्यू पूछा था। दूसरा हमें लेंथ है वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम नल पॉइंट पता करने जाएंगे तो यहाँ एक समस्या ये है कि ये जो सेल है, पहली बात उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और साथ के साथ एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। और आपको मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस में कि जब भी इस सेल के साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो इस सेल का ईएमएफ नहीं पता चलेगा, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रहे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमें पता चलेगा। इसका मतलब अगर E इज इक्वल्स टू के एल लिख दें हम 1.5 रख के तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि इस समय E नहीं पता चलेगा हमें, इस समय पता चलेगा V, और ये हमारा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है ना इसकी बात? अब जो है हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इस सर्किट में I की वैल्यू क्या होगी। अगर हम ऊपर वाले सर्किट को एकदम छोड़ दें, ऊपर यहाँ जो कि भी नहीं है, ये नीचे का सर्किट देखें तो ये सेल यूज हो रहा है, और यूज होगा तो हमें ईएमएफ नहीं बल्कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के लिए क्या है, इस सर्किट में करंट कितना है पता कर लिया जाए। हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इन बेलो सर्किट, नीचे वाले सर्किट में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे ये जो कवरे करंट सप्लाई करेगा वो इधर से आके इसी में सर्कुलेट होगा, तो ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट फ्लो हो रहा है सीरीज में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 1.2 प्लस 0.3 मींस 1.5 ओम। अब हम निकालेंगे यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है। I इज इक्वल्स टू होता है E अपान आर इक्विवेलेंट, E की वैल्यू है 1.5 और R इक्विवेलेंट भी 1.5 आ चुका है, कट के आ जाएगा 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपका 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। अब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, तो V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर, V इज इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर। ठीक है, V की वैल्यू हमें पता करनी है, ये नहीं पता है। E का वैल्यू है 1.5 और I का वैल्यू है हमारे पास 1, यहाँ निकाल चुके हैं, और स्मॉल R यही इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.2। सॉल्व करेंगे तो 1.5 माइनस 1.2 यानी 0.3 बोल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल्स टू वो होगा K इंटू L। V की वैल्यू निकल चुकी है, 0.3 निकाल लिया है मैंने। K की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने निकाला है 4/5 बोल्ट पर मीटर, 4/5, और L की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई बन जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया L का वैल्यू। अगर इसको ये हो गया मीटर में, L इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 4 ये मीटर में हो जाएगा। सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा सेंटीमीटर में, ये कट जाएगा 25, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 15 2 30 and 7 37 37.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी आप यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो तो पहले करंट निकालिए, और करंट के हेल्प से आप पता करिए कि यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V इज इक्वल्स टू E माइनस R से, और फिर जो है V की वैल्यू पता लग जाएगा। तो अब V इज इक्वल्स टू KL लिखा जाएगा, याद करिए आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस में ये मैं बताया था। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो है सबसे बेहतरीन और CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, हर 2 साल 1 साल पर ये रिपीट होता रहता है या इसी तरह का क्वेश्चन आता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं हो एग्जैक्ट एडीसी आ जाए यही, लेकिन इस टाइप का आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे, और यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे, या अगर आपके क्लासेस कंटिन्यू होते तो वहाँ पर भी पूछ लेंगे बिल्कुल क्लासरूम में,
ताकि आपको हर तरह से ये समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर जो है मान के चलिए यही दो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पेज पर, आप देखोगे सारे एग्जांपल्स इसी के इर्द गिर्द हैं। अगर बेहतरीन तरीके से पोटेंशियोमीटर समझ रहे हो और ये दो न्यूमेरिकल जो मैंने दो डिफरेंट टाइप्स के बताए आपको, अगर ये आप समझ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, ठीक है ना। आप सारे एग्जांपल्स करिएगा और जो नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। सो दिस क्लास इज़ ओवर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।